तो हेलो गाइस, आप सभी का एक और बार स्वागत है एक और नए टेक वीडियो पे अनशेड गेमिंग के चैनल पर। तो गाइस, काफ़ी सारे लॉन्डे मुझे पूछ रहे थे कि आप स्ट्रीम किससे करते हो, क्या सेटिंग से करते हो, आपके स्ट्रीम पर साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, स्ट्रीम लैग नहीं होती, तो मुझे हमें बताओ कि आप किससे स्ट्रीम करते हो, क्या सेटिंग है। तो मैंने एक बार तो बता ही दिया है, ऑमलेट आर्केड से मैं स्ट्रीम करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑमलेट आर्केड पर मेरे स्ट्रीम का सेटिंग्स क्या है और ऑमलेट आर्केड के बारे में बताने वाला हूँ। लॉन्डो, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर ऑमलेट आर्केड का आइकॉन, और उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस ऐप के बारे में हम आज बात करने वाले। तो काफ़ी लॉन्डे मुझे पूछ रहे थे कि ऑमलेट आर्केड पर कैसे स्ट्रीम करें, आपकी स्ट्रीम में इतना क्लियर आवाज़ कैसे आ रहा है और सब कुछ। तो इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो जैसे ही आप ऑमलेट आर्केड को ओपन करते हो, तो मेरा तो पहले से ही अकाउंट और सब रहेगा। आप जैसे ही ओपन करोगे, आपको पूछेंगे कोई नाम रखो, फिर ऊपर फोटो होगा वो तो चलेगा, कोई नाम रखने के लिए बोलेंगे जो नाम पहले कभी यूज़ नहीं हुआ ऑमलेट आर्केड के ऐप पर, तो नाम आप रख लो अपने आप। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे, तब तो आपको बोलेंगे कुछ गेम सिलेक्ट करो जिसमें जिसकी स्ट्रीम करना चाहते हो या जिसकी स्ट्रीम देखना चाहते हो ऑमलेट आर्केड के ऐप पर, तो अभी आप अपने सिलेक्ट कर लो। और फिर आगे जब आओगे, तब तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच में जो प्लस का आइकन है वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है एडिटर बेटा, जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो ऑमलेट आर्केड के ऐप पर ही, जो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे उसमें ज़रा भी कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है, मुझे आता भी नहीं है उसमें। दूसरा है पोस्ट, जो कि आप डाल सकते हो ऑमलेट आर्केड के ऐप पर। तीसरा है रिकॉर्ड, अगर आपको कोई गेम प्ले रिकॉर्ड करके डालना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें भी लैग नहीं होता गेम प्ले। फिर एक गो लाइव का ऑप्शन, गो लाइव जो कि हम अभी देखने वाले हैं। जैसे गो लाइव पर आप क्लिक करोगे, तो आपको कुछ बहुत सारे इंटरफेस तो नहीं, पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे ऐप्स और गेम्स के बारे में रहेगा जो आपके डिवाइस में है। ये ऐप वो होते हैं जिसकी लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हो, और एक गेम्स होते हैं वही, तो आप कोई भी गेम सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से और क्या करना है। मैं फ़िलहाल COC ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, उसमें सारे ऑप्शन सेटिंग सब कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे ही COC पे ओपन किया, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें पहला ऑप्शन है अनशेडेड गेमिंग, जो कि मेरा ऑमलेट आर्केड का नाम है, ऑमलेट आर्केड में जो नाम है वही मैंने रखा था। और अगर ये एनेबल करते हो तो आपकी लाइव स्ट्रीम तो होगी पर ऑमलेट आर्केड के ऐप पर, हमें उसमें नहीं करनी, हमें करनी है यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे जैसे मेरा अनशेडेड गेमिंग लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको यूट्यूब लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आप क्लिक करो और फिर यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन कर लो ऑमलेट आर्केड पे, और कुछ परमिशन लेंगे वो अलाउ कर दो, फिर नेक्स्ट करो। फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब योर स्ट्रीम, वहाँ पे पहले बॉक्स में आपको अपना लाइव स्ट्रीम का टाइटल डालना है। फिर उसके नीचे के बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन, जो कि आप अपने हिसाब से कर लो। फिर बगल में रहे ओवरले, जैसे ही सेटिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ओवरलेस, इसमें से 5-6 फ्री है जो कि आप एक वीडियो देखकर सिर्फ इक्वाइप कर सकते हो या बाय कर सकते हो, बाकी के है तो कुछ पॉइंट्स के है। ये पॉइंट्स आपको ऑमलेट आर्केड के ऐप पर स्ट्रीम करने पर अचीवमेंट से मिलेंगे। मेरे पास तो फिलहाल एक भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ऑमलेट आर्केड पर स्ट्रीम ही नहीं की, पर आपको अगर ऐसा कोई इंटरफेस या ऐसा कोई ओवरले चाहिए तो आप ऑमलेट आर्केड के ऐप पर स्ट्रीम करो और आपको मिल जाएगा। मैं फिलहाल यूज़ करता हूँ ट्रोन का ओवरले, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही आप ओवरले के भी सेटिंग में जाओगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला है इमेज और कैमरा में यही है कि अगर आपको वेबकैम भी करना है स्ट्रीम के साथ डिवाइस में ही, तो आप फ्रंट कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ताकि फ्रंट कैमरा जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे फ्रंट कैमरा वो सब जाएगा ऑमलेट आर्केड के स्ट्रीम पर। फिर है इमेज, जो कि मैंने यूज़ किया है अभी, मेरा जो लोगो है वही रखा है। प्रोफाइल पिक्चर में वही सेम है, प्रोफाइल पिक्चर में सेम नहीं रहेगा, प्रोफाइल पिक्चर में जो ऑमलेट आर्केड पे आपने नाम के ऊपर जो पहले सिलेक्ट किया रहेगा लोगो वही आएगा। फिर नीचे है ओवरले मैसेज, यहाँ पे मैंने मेरा जीपे नंबर डाला है, आप भी अपना जीपे नंबर डाल सकते हो, पेटीएम नंबर डाल सकते हो, या फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। फिर चलते हैं आगे है स्ट्रीम सेटिंग।
स्ट्रीम सेटिंग में जैसे ही जाए तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। पहले चलते हैं स्ट्रीम क्वालिटी पर। स्ट्रीम क्वालिटी मेरा है 720p, जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखा है। आप ऐसे ही सिलेक्ट मत कर लेना, पहले आप चेक कर लेना स्पीड टेस्ट, इसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही स्पीड टेस्ट चेक करोगे तो आपको आपके इंटरनेट के हिसाब से जो भी स्पीड, आप जो भी क्वालिटी आपके इंटरनेट के हिसाब से सही रहेगी वो आपको दिखाई गई यहाँ पे ग्रीन डॉट से। तो मेरे तो फिलहाल सभी स्ट्रीम क्वालिटी सही है, क्योंकि मेरी 6 MB की स्पीड है। आप में जो सही रहता है वो सिलेक्ट कर लो। फिर मैं तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट 6720p। फिर है ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स में दो ऑप्शन रहते हैं, माइक्रोफोन और इंटरनल ऑडियो। माइक्रोफोन से जो मैं बोलता हूँ स्ट्रीम पर, जो आवाज़ मेरी आती है वो माइक्रोफोन से आएगी। और इंटरनल ऑडियो से जो कि इन गेम वॉइस है, जैसे पबजी में पबजी का म्यूजिक है, सीओसी में सीओसी का म्यूजिक है, और वो सब इंटरनल ऑडियो से आएगा। पबजी में भी टीम मैच की वॉइस भी इंटरनल ऑडियो से ही आएगी। वो आप पर है, आपको इंटरनल ऑडियो ऑन रखना है, कितना रखना है वो सब आप देख लेना। फिर चलते स्ट्रीम सेटिंग ओनली, स्ट्रीम नोटिफिकेशन ओनली दूसरा ऑप्शन है। स्ट्रीम नोटिफिकेशन ओनली का यह रोल है कि आप जैसे कोई आपकी स्ट्रीम पर लाइव चैट करता है या फिर कमेंट करता है आपकी स्ट्रीम पर, तो आपको ऊपर दिखाएगा। जैसे ही कोई स्ट्रीम पर आकर हेलो लिखेगा तो आपको दिखा देगा कि इस बंदे ने यहाँ पे हेलो लिखा है। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रहता है कि भाई आपके डिवाइस में अगर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल है, तो सब कुछ दिखाएगा नहीं स्ट्रीम पर। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड अनेबल करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। कॉल आएगा तो भी आपको नहीं दिखाएगा किसका कॉल है, नंबर और सब लीक करने की कोई झंझट नहीं रहेगी। फिर है सेव टू गैलरी। वो तो भाई आप लाइव स्ट्रीम करते हो और अगर आपको स्ट्रीम गैलरी में सेव करनी है तो एनेबल ऑप्शन है, अनेबल कर दो, हो जाएगा, कोई बीटी नहीं है इसमें तो। फिर है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको अनेबल या वो करने को मिलेगा, जो कि ब्लॉक ब्लॉक लिंक्स इन चैट। ब्लॉक लिंक्स इन चैट का यही मतलब है कि अगर कोई लौंडा आके अपनी स्ट्रीम का वो प्रमोशन करके चले जाएगा आप में, वो नहीं कर पाएगा। कोई ऐसे ही आकर स्ट्रीम दे जाएगा और वो सब नहीं कर पाएगा, वो अनेबल कर दोगे तो। फिर आता है स्ट्रीम डिले। स्ट्रीम डिले अगर कोई कस्टम्स खिलवा रहा है या कस्टम कास्ट कर रहा है उसके लिए ऑप्शन है, बाकी और जो रैंक पुश कर रहे हैं काउंटर और पबजी में उस सब के लिए है। उसमें पहला ऑप्शन है नाउन 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट्स तक मैक्सिमम आप रख सकते हो स्ट्रीम डिले। फिर ए साइड ओवरले हो गया और फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर स्टार्ट कर दो। यही फिलहाल है मेरा सेटिंग, स्ट्रीम सेटिंग आप देख सकते हो। मैं यही यूज़ करता हूँ। 720p पे है मेरा स्ट्रीम क्वालिटी। ऑडियो दोनों अनेबल है और इंटरनल ऑडियो थोड़ा सा कम रखा है मैंने, ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए, मेरी आवाज़ प्रॉपरली आए स्ट्रीम पर। और स्ट्रीम नोटिफिकेशन ओनली अनेबल है और डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी अनेबल है। यहाँ पे इतना ही हमें देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।